नमस्कार, मैं हूं आलोक और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। आइए नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। गुजरात लोकसभा चुनावों की वोटिंग के बाद हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। कांग्रेस का आरोप है कि महिसागर बीजेपी के नेता विजय भाभोर ने ईवीएम के साथ खिलवाड़ किया है। इतना ही नहीं, चुनाव आयोग को भी अपशब्द बोले हैं। इसके साथ ही ईवीएम वीडियो टेलीकास्ट करके बूथ कैप्चरिंग करके खुलेआम दादागिरी की है। कांग्रेस ने चुनाव आयोग से मांग की है कि इस मामले में कड़ी सुनवाई की जाए। गुजरात कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता डॉक्टर मनीष दोषी ने कहा है कि क्या इस गुनाह को करने की छूट आम लोगों को है? अगर नहीं तो फिर बीजेपी नेता के पुत्र के खिलाफ पुलिस ने कोई कार्रवाई क्यों नहीं की? कर्नाटक पुलिस ने आपत्तिजनक एनिमेटेड वीडियो मामले में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा को तलब किया है। उनके साथ ही आईटी सेल प्रमुख अमित मालविया को भी पूछताछ के लिए बुलाया है। कर्नाटक पुलिस की यह कार्रवाई कर्नाटक बीजेपी द्वारा एक आपत्तिजनक वीडियो पोस्ट करने को लेकर की जा रही है। कर्नाटक बीजेपी द्वारा सोशल मीडिया पर पोस्ट किए गए एनिमेटेड वीडियो में मुस्लिम समुदाय के लिए आरक्षण पर जारी विवाद का मुद्दा बनाया गया है, लेकिन वीडियो मुस्लिम समुदाय और कांग्रेस को आपत्तिजनक रूप से पेश करता है। इसके खिलाफ शिकायत के बाद कर्नाटक के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने इस संबंध में एक एफआईआर दर्ज कराई थी। हरियाणा के 3 निर्दलीय विधायकों समर्थन कांग्रेस को मिलने के बाद सियासी गलियारों में हलचल मच गई है। लोकसभा चुनाव से पहले ही प्रदेश के राजनीतिक समीकरण बदलने लगे हैं। जेजेपी नेता दुष्यंत चौटाला ने बुधवार को दिल्ली में कहा, अगर कांग्रेस हरियाणा सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाती है तो जेजेपी उस पर समर्थन करेगी। उन्होंने कहा कि राज्य में भाजपा सरकार अल्पमत में आ चुकी है। चौटाला ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, अगर विपक्ष के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा अविश्वास प्रस्ताव लाते हैं तो हमारे सभी विधायक भाजपा सरकार के खिलाफ मतदान करेंगे। मनोहर लाल खट्टर ने बुधवार को करनाल में कहा, राज्य सरकार के समर्थन वापस लेने वाले विधायकों को लोकसभा चुनाव और आगामी लोकसभा चुनाव पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। चुनावी मौसम में कौन कहां जा रहा है इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। कई विधायक भी हमारे संपर्क में हैं, कई नेता हमारे समर्थन में खड़े हैं। उन्हें अपने नेता को सुरक्षित रखना चाहिए। जल्द ही पता चल जाएगा कि कितने लोग हमारे संपर्क में हैं। राहुल गांधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अडानी अंबानी को लेकर काम करने का आरोप लगाते रहे हैं, लेकिन अब इन्हीं राहुल गांधी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गंभीर आरोप लगा दिया है। एक चुनावी रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को कहा कि चुनाव की घोषणा होने के बाद से ही उन्होंने दोनों को गाली देना बंद कर दिया है। मैं तेलंगाना की जनता से पूछना चाहता हूं, शहजादा बताएं, अडानी अंबानी से कितना लिया है, कितना काला धन ले जाया गया है, क्या कैश से भरे टेम्पो कांग्रेस तक पहुंचे हैं, वह कौन सा सौदा हुआ है? आपने रातों रात अडानी अंबानी को गाली देना क्यों बंद कर दिया? निश्चित रूप से कुछ गड़बड़ है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री मोदी का अडानी अंबानी वाले बयान पर पलटवार किया है। खड़गे ने ट्वीट कर कहा, वक्त बदल गया है, दोस्त दोस्त ना रहा। दरअसल पीएम मोदी ने तेलंगाना में रैली को संबोधित करते हुए राहुल गांधी पर हमला बोला था। पीएम मोदी ने कहा था, 5 साल तक शहजादे अडानी अंबानी की माला जपते थे, लेकिन जब से चुनाव शुरू हुआ है उन्होंने नाम लेना बंद कर दिया है। खड़गे ने ट्वीट कर कहा, वक्त बदल रहा है, दोस्त दोस्त ना रहा। 3 चरणों के चुनाव पूरे हो जाने के बाद आज प्रधानमंत्री जी अपने मित्रों पर ही हमलावर हो गए हैं। इससे पता चल रहा है कि मोदी जी की कुर्सी डगमगा रही है, यही परिणाम के असली रुझान है। रायबरेली में कांग्रेस प्रत्याशी राहुल गांधी के समर्थन में प्रियंका गांधी ने जनसभा की। इस दौरान उन्होंने कहा कि रायबरेली की जनता ने फैसला कर लिया है, वह औपचारिकता ऐलान बाकी है। एक जनसभा में प्रियंका गांधी ने कहा, आज पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि राहुल गांधी अडानी का नाम नहीं ले रहे हैं। सच्चाई ये है, राहुल गांधी हर दिन अडानी का नाम बताते हैं, वे रोज अडानी की सच्चाई आपके सामने रखते हैं, उनका खुलासा करते हैं। राहुल गांधी आपको रोज बताते हैं कि नरेंद्र मोदी की बड़ी बड़ी उद्योगपतियों के साथ साठगांठ है। नरेंद्र मोदी ने अपने मित्रों के 16 लाख करोड़ रुपए माफ किए हैं, लेकिन किसानों का 1 रुपए भी माफ नहीं किया। 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद स्थिति को लेकर एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि चुनाव के बाद कई क्षेत्रीय दल कांग्रेस के करीब आएंगे, इसमें कुछ का तो कांग्रेस से विलय भी हो सकता है। अंग्रेजी अखबार द इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक शरद पवार ने कहा है कि अगले कुछ वर्षों में कई क्षेत्रीय दल कांग्रेस के अधिक निकट आ जाएंगे।
या अगर उन्हें लगता है कि ये उनकी पार्टी के लिए सबसे अच्छा है तो वे कांग्रेस में विलय के विकल्प का भी विचार कर सकते हैं। द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक पवार ने कहा है कि राजनीतिक दलों का एक बड़ा वर्ग भाजपा और मोदी को पसंद नहीं करता है और वे एक साथ आना शुरू कर रहे हैं। देश में माहौल नरेंद्र मोदी के खिलाफ हो रहा है और हम गांधी नेहरू के विचारों पर चलते हुए सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि 2019 और 2024 के बीच एक बड़ा अंतर है। पिछली बार के लोकसभा चुनाव की तुलना में कई अधिक युवा खुद विपक्षी दलों के साथ जुड़ रहे हैं। शरद पवार ने कहा है कि आज राहुल गांधी की स्वीकारता 1977 के मोरारजी देसाई से भी अधिक है। देसाई के विपरीत उन्हें अपनी पार्टी से पर्याप्त समर्थन प्राप्त है। राहुल गांधी हम सभी से तालमेल बनाए रखते हैं। उन्होंने कहा कि लोगों को लगता है कि वे ईमानदारी के समान विचारधारा वाले लोगों को एक साथ चलाना चाहते हैं। पवार ने याद दिलाया कि कैसे राहुल गांधी ने उनसे मुलाकात की थी और उन्हें कई विषयों पर गंभीर चर्चा की थी। मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि स्थिति की मांग है कि हम एक साथ रहें, यही सामान्य सोच है। अगर हम चुने जाते हैं तो हम एक स्थिर सरकार बनाएंगे। झारखंड सरकार में मंत्री आलमवीर आलम के निजी सचिव संजीव लाल और उनके घरेलू सहायक के पास से बरामद 35 करोड़ रुपए से अधिक रकम के बाद ईडी के अधिकारी लगातार इसमें पूछताछ कर रहे हैं। पूछताछ के आधार पर ईडी के अधिकारी बुधवार को ग्रामीण विकास विभाग के दफ्तरों की तलाशी लेने पहुंचे। रिपोर्ट के मुताबिक पूछताछ में मिली जानकारी के आधार पर ईडी के अधिकारी कार्रवाई कर रहे हैं। बता दें कि सोमवार को ही छापेमारी के दौरान ईडी के अधिकारियों ने 35 करोड़ रुपए से भी अधिक रकम जब्त की थी। सुप्रीम कोर्ट कथित उत्पाद शुल्क नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत देने पर 10 मई को अपना फैसला सुनाएगा। मामले की उनकी गिरफ्तारी के खिलाफ केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई करने वाली पीठ की अध्यक्षता करने वाले न्यायमूर्ति संजीव खन्ना ने कहा कि हम शुक्रवार को अंतरिम आदेश सुनाएंगे। गिरफ्तारी को चुनौती देने से जुड़े मुख्य मामले पर भी उसी दिन फैसला लिया जाएगा। निचली अदालत के निर्णय को चुनौती देने वाली दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई टल गई। सुनवाई के दौरान सीबीआई व ईडी ने मामले में जवाब दाखिल करने के लिए एक सप्ताह और समय मांगा है। इस पर न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा की पीठ ने जांच एजेंसी को जवाब दाखिल करने के लिए 4 दिन का समय देते हुए सुनवाई अगले सोमवार यानी 13 मई तक स्थगित कर दी है। पिछली सुनवाई पर अदालत ने सीबीआई व ईडी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था। कोरोना से लड़ने वाली चर्चित वैक्सीन कोविशील्ड को बनाने वाली ब्रिटिश फार्मा कंपनी एस्ट्राजेनेका ने कहा है कि दुनिया भर से अपनी कोविड वैक्सीन को वापस लेंगे। फार्मा कंपनी ने कहा है कि वे अब दुनिया भर से अब कोविड-19 वैक्सीन की खरीद बिक्री को बंद करेगी। ब्रिटेन में समाचार पत्र द टेलीग्राफ की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि कंपनी ने कहा है कि उसकी कोविड वैक्सीन का निर्माण अब उसकी सप्लाई नहीं की जा रही है। उन्होंने कहा है कि यह फैसला इसके साइड इफेक्ट के कारण नहीं लिया गया है बल्कि व्यावसायिक कारणों की वजह से लिया गया है। बसपा सुप्रीमो मायावती के भतीजे आकाश आनंद को सोशल मीडिया कोऑर्डिनेटर पद से हटाने के फैसले पर राजनीतिक पारा चढ़ता हुआ नजर आ रहा है। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी एक्स पर पोस्ट के जरिए बसपा पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि बसपा के हाथ से बाजी निकल चुकी है, 3 चरणों में उनकी एक भी सीट नहीं आ रही है। सपा प्रमुख ने कहा, बसपा ने अपने संगठन में बड़े बदलाव का जो कदम उठाया है वो उनकी पार्टी का आंतरिक विषय है। इसके पीछे असली कारण ये है कि बसपा की एक भी सीट नहीं निकलती नजर आ रही है। अब तक की सुर्खियों में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहिए सत्य हिंदी.com पर।